हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सिर्फ 1.5 मीटर कपड़े में सर्कुलर स्कर्ट की कटिंग सीखेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसकी फिटिंग और फिनिशिंग भी काफी अच्छी आती है। आप भी इसे जरूर ट्राई करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये स्कर्ट मैं 10 साल बच्ची के लिए बना रही हूँ, इसलिए मेन फैब्रिक 1.5 मीटर लिया है। इस फैब्रिक का अर्थ 1.5 मीटर है, इसलिए यहाँ पे 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है। और लाइनिंग के लिए टाफ्टा फैब्रिक 3 मीटर, कैन 2 मीटर लिया है। इसका भी अर्थ 1.5 मीटर है, इसलिए यहाँ पे 2 मीटर कैन लिया है। अब पहले हम कटिंग लाइनिंग पे करेंगे। आज हम बिल्कुल अलग तरीके से स्कर्ट की कटिंग करना सीखेंगे। इसमें हम आपको 1.5 मीटर कपड़े में सर्कुलर घेर कैसे कट करें ये बताएंगे। और जैसी कटिंग लाइनिंग पर होगी, सेम वैसी ही कटिंग मेन फैब्रिक पर होगी। तो सारे मेथड को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, 1.5 मीटर कपड़े में आप सिर्फ 35 इंच तक की लेंथ का स्कर्ट बना सकते हैं। इससे ज्यादा लेंथ के लिए आपको ज्यादा कपड़े की जरूरत होगी। तो सबसे पहले हम कपड़े को खोल लेते हैं। कपड़े को बराबर से बिछा लेंगे और देखिए इसका अर्थ कितना बड़ा है। इसका अर्थ पूरा 1.5 मीटर का है। और यहाँ से देखिए मैंने कपड़े की एक लेयर ली है। अब कपड़े के एक साइड के कॉर्नर को इस तरफ पलट देंगे, जिससे कपड़े को ट्रायंगल शेप पे रखें। फिर बराबर से कपड़े को सेट करेंगे और इसमें वेस्ट की मार्किंग इस तरफ से करेंगे। इसमें मैंने वेस्ट का फुल साइज लिया है 28 इंच। 28 का हाफ कर देंगे तो आएगा 14 इंच, क्योंकि देखिए यहाँ से हमारे कपड़े की 2 लेयर है, इसलिए वेस्ट का हाफ साइज लेंगे। और 14 इंच में 1 इंच मार्जिन सीम अलाउंस के लिए ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें हम कपड़े को दोनों तरफ से स्टिच करेंगे, इसलिए सीम अलाउंस के लिए मार्जिन ऐड करेंगे। तो मेजरिंग टेप को इस तरह से गोलाई में मेजर कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 15 इंच की गोलाई आ रही है, तो यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे और यहाँ से इसकी लेंथ मेजर करेंगे। जहां तक हमने कपड़े को फोल्ड किया है, यहाँ से जो निशान लगाया है वहां तक लेंथ मेजर करेंगे। तो इसकी लेंथ आ रही है लगभग 9.5 इंच। तो इस तरफ कॉर्नर से यहाँ से देखिए 9.5 इंच की लेंथ लेते हुए गोलाई में निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे लेंथ की मार्किंग करेंगे। इसमें मैंने स्कर्ट की फुल लेंथ ली है 35 इंच। 35 इंच लेंथ तैयार मेन फैब्रिक की रखेंगे, लेकिन लाइनिंग की लेंथ मेन फैब्रिक से 1 इंच छोटी रखते हैं। तो इसमें हम आपको 34 इंच लेंथ के अकॉर्डिंग कटिंग बताएंगे। लेकिन जब आप मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे तो सिंपली 1 इंच लेंथ नीचे से बढ़ा देंगे। तो 34 इंच लेंथ के अकॉर्डिंग कटिंग बताते हैं। 34 इंच में 2 इंच लेंथ बेल्ट के लिए माइनस कर देंगे तो बचा 32 इंच। 32 इंच में 1 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा ऐड करेंगे ऊपर से सीम अलाउंस के लिए, और नीचे से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे तो टोटल लेंथ हो गई 33 इंच। यहाँ से जो निशान लगाया है, यहाँ से मेजरिंग टेप को इस तरह रखेंगे। देखिए 33 इंच लेंथ यहाँ पे आ रही है, तो मेजरिंग टेप को उसी तरह गोलाई में रखते हुए 33 इंच लेंथ लेके इस तरह गोलाई में निशान लगाएंगे। और देखिए यहाँ से आगे के लिए सेंटर पे लेंथ छोटी पड़ेगी, तो नीचे पहले पेपर को लगा देंगे जिससे निशान पेपर पे आ जाएगा और पेपर के अकॉर्डिंग फैब्रिक पे कटिंग इजीली हो जाएगी। तो पहले नीचे पेपर को प्लेस करेंगे। जिस पेपर को लेंगे वो पेपर एक साइड से बराबर होना चाहिए। जहाँ से लेंथ छोटी पड़ रही है वहां से पेपर को अंदर के लिए रखेंगे और पेपर पे 1/2 इंच मार्जिन अंदर के लिए इस तरह बढ़ा के रखें, क्योंकि यहाँ से हम इसको अटैच करेंगे तो इसलिए 1/2 इंच मार्जिन पहले ही ऐड कर लेंगे। तो इस तरह पेपर को प्लेस कर देंगे।
देखिए पूरा गोलाई में निशान लगा लिया है, ये मैं आपको पास से दिखाती हूँ। अब सेम निशान पे कट कर लेंगे। सेंटर से कपड़े को फोल्ड किया था तो यहां से भी कट कर लेंगे पहले। सेंटर से मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि कैसे पेपर को प्लेस किया है। देखिए हमने पेपर को ऐसे रखा था, तो पहले इस वाले फैब्रिक के बराबर मैं एक निशान लगा दूंगी जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे पेपर को प्लेस करना है। चौक से मैंने निशान लगा दिया है, अब हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने ये निशान लगाया था, इसे मैं डार्क कर देती हूँ। ये देखिए ये निशान लगा हुआ है हमारा, तो इस निशान से सिर्फ 1/2 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा रखेंगे और बाकी का जितना भी मार्जिन है उसे कट कर देंगे। ये हमने सीम अलाउंस के लिए मार्जिन लिया है, तो ये हमारा सीम अलाउंस भी चला जाएगा, तो यहाँ तक लेंथ फिक्स आ जाएगी। तो अब इस पेपर को रखते हुए सेम कटिंग फैब्रिक पे कर लेंगे। देखिए बिल्कुल बराबर से कटिंग फैब्रिक पे कर ली है। अब इस वाले कपड़े को यहाँ पर अटैच कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे मैंने कपड़े को अटैच कर लिया है। ज्वाइंट वाले हिस्से को ऊपर की तरफ रखेंगे क्योंकि ये हमारे फैब्रिक का उल्टा साइड है, और इसका प्लेन साइड अंदर की तरफ रखेंगे। और एक साइड से स्कर्ट को अटैच कर लेंगे 1/2 इंच का मार्जिन लेकर। फिर नीचे से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। फिर जैसे लाइनिंग को कट किया था सेम तरीके से मेन फैब्रिक को कट कर लिया है, और जैसा बताया था लाइनिंग की लेंथ से मेन फैब्रिक की लेंथ 1 इंच बड़ी रखी है। फिर लाइनिंग को मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने वेस्ट से इसको अटैच कर लिया है और दोनों साइड से सिलाई लगा ली है, जिससे लाइनिंग और मेन फैब्रिक को एक दूसरे के साथ अटैच कर लिया है। इस तरफ जिप को अटैच करेंगे, तो उसके लिए आप सेम कलर की जिप लीजिएगा। मेरे पास सेम कलर की नहीं है इसलिए मैं लाइट कलर का यूज कर रही हूँ, और ये जिप मैंने कंसील ली है। अब इसे ऊपर की तरफ रखते हुए देख लेंगे कि ये कहाँ तक आ रही है। तो देखिए मेरी जिप यहाँ तक आ रही है, तो लगभग यहाँ तक हम इसमें सिलाई लगाते हुए नीचे से इसको अटैच कर लेंगे और यहाँ पे सिलाई को लॉक कर देंगे। और देखिए इस तरफ से इसको अटैच कर लिया है, इतना मार्जिन खुला रखा है। यहाँ पे हम जिप को अटैच करेंगे, जहाँ तक सिलाई लगाएंगे वहाँ पे सिलाई को लॉक कर देंगे। इस तरफ से हमने लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों को एक साथ लेते हुए अटैच किया है, लेकिन इसके दूसरी तरफ से देखिए इस तरफ से सिंगल सिंगल कपड़े को ही अटैच करेंगे, मतलब लाइनिंग को एक साथ अटैच करेंगे और मेन फैब्रिक को एक साथ। इस तरह से आप इन दोनों पार्ट को तैयार करेंगे। अब हम इसमें जिप अटैच कर लेते हैं। स्कर्ट को उल्टी तरफ से ही लेंगे और इसके एक हिस्से को पहले इस तरह हटा देंगे और जिप को उल्टी तरफ से, देखिए ये हमारी जिप का सीधा साइड है, तो इसको उल्टी तरफ से ऊपर से बराबर मिलाते हुए रखेंगे और साइड से भी बराबर मिलाते हुए। ऐसे बराबर मिलाते हुए पहले किनारे से सिलाई लगाएंगे। यहां से इस मार्जिन को इस तरह अलग कर लेंगे और पीछे से कपड़े को बराबर करें। ये देखिए हमारी यहाँ पर सिलाई लगी हुई है, तो जिप के सेंटर को इस तरह बराबर मिलाते हुए रखेंगे, फिर वैसे ही सिलाई लगा लेंगे।
अब जिप के बिल्कुल साइड में यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अब जिप को ओपन करके देख लेंगे कि ये जिप कहीं से फंस तो नहीं रही है। और देखिए ये बिल्कुल फिक्स लगी है एक तरफ से। अब जैसे ही हमने इस तरफ अटैच करी है, सेम ऐसे ही इस तरफ अटैच कर लेंगे। पहले इसको साइड से बराबर मिला लेंगे। देखिए ऐसे बराबर मिला लिया। अब यहाँ पहले साइड से अटैच कर लेंगे। देखिए इस तरह साइड से अटैच कर लिया। अब जैसे हमने इस तरफ सिलाई लगाई थी, सेम ऐसे ही जिप के बिल्कुल साइड में सिलाई लगा लेंगे। अब जिप को मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल फिक्स जिप लगी है। अब हम इसके अंदर की लाइनिंग और कैन तैयार कर लेते हैं। लाइनिंग से घेर निकालने के बाद साइड से जो फैब्रिक बचा था उसको मैंने सीधा कट कर लिया है। और देखिए यहाँ से हमारे फैब्रिक की सिंगल लेयर है। अब इसको यहाँ से डबल कर लेंगे। फिर इस कपड़े को एक बार और फोल्ड करें। अब ये कपड़ा यहाँ से फोर लेयर में रखा है। तो बेबी की वेस्ट का साइज लिया था 28 इंच। 28 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 7 इंच। इस कपड़े में थोड़ी सी लूजिंग भी रखेंगे जिसको बाद में बड़ा या छोटा कर सके वेस्ट से, तो इसलिए 2 इंच और ऐड कर लेंगे जिसमें हमारा सीम अलाउंस के लिए भी मार्जिन ऐड हो जाएगा। तो सेंटर से 9 इंच पे निशान लगाएं और पहले लाइनिंग जो कट की थी उसी के लेंथ के बराबर इसकी भी लेंथ रखेंगे। तो उसकी लेंथ रखी थी 33 इंच, इसकी लेंथ भी मैंने 33 इंच कट की है। और नीचे से पूरे घेर को ले लेंगे तो इस वाले निशान को यहां से मिला देंगे। साइड से 1 इंच ऊपर के लिए निशान लगाएं। यहां से हल्की सी गोलाई दे देंगे। सेम निशान पे कट कर लेंगे। अब इसे सेंटर से खोलेंगे और दोनों तरफ से इसको अटैच कर लेंगे और नीचे से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। एक तरफ से पूरा अटैच कर लेंगे। एक तरफ से इतना मार्जिन लगभग खुला रखेंगे जितना हमने जिप को अटैच करने के लिए खुला रखा था। जहां तक सिलाई लगाई है वहां तक कट लगा लेंगे इस तरह। यहां से कपड़े को इस तरह अंदर के लिए पलट देंगे। बिल्कुल इसी तरह पीछे की तरफ भी पलट देंगे और ऐसे पलटते हुए साइड से सिलाई लगा लेंगे और सेम ऐसे पीछे की तरफ भी पलट देंगे। अब ऊपर की तरफ से जैसे हम रफल बनाते हैं सेम वैसे ही हल्का सा धागे को खींचते हुए इसकी विड्थ को एडजस्ट कर दिया है और यहाँ से इसकी कमर 14 इंच तैयार रखी है। जब इसको दोगुना करेंगे तो ये हो जाएगी 28 इंच। अब कैन की स्कर्ट बनाएंगे। कैन की देखिए हमारे पास 2 लेयर हैं और मेरे पास कैन 1.5 मीटर अर्ज का था,
तो इसलिए मैंने सिर्फ 1 मीटर कैन का यूज किया है। लाइनिंग की लेंथ हमने 33 इंच कट की थी, कैन की लेंथ लाइनिंग की लेंथ से 1 इंच छोटी कर दी है, तो इसकी लेंथ मैंने 32 इंच पे कट की है। घेर का मैंने कोई भी मेजरमेंट नहीं लिया है, आप इसे अपने अंदाजे के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना भी आपको कम या ज्यादा रखना हो। यहाँ पर मैंने इसकी विड्थ ली है। इसकी एक लेयर की विड्थ है 28.5 इंच। कैन की स्कर्ट वैसे ही तैयार करेंगे जैसा कि आपको इस वीडियो में बताया था। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से चेक करके आप इसे बनाना सीख सकते हैं। अब मैं आपको ये स्कर्ट तैयार करके दिखाती हूँ। और देखिए, इसे भी मैंने तैयार कर लिया है, और जैसा हमने लाइनिंग में साइड से खुला रखा था सेम वैसे ही और उतना मार्जिन लेते हुए कैन को भी साइड से खुला रखेंगे। अब इसके अंदर लाइनिंग की स्कर्ट को रखेंगे। और ऐसे बराबर मिलाते हुए राउंड में अटैच कर लेंगे। अब इसके ऊपर जो मेन स्कर्ट तैयार करी थी उसको रखेंगे, और ये खुला वाला हिस्सा जिप की तरफ रखेंगे। देखिए, यहां से जिप को ओपन कर लेंगे और दोनों खुले वाले हिस्सों को बराबर मिलाएंगे, और बराबर मिलाते हुए इसको भी राउंड में अटैच कर लेंगे। अब इसमें बेल्ट अटैच करने के लिए पहले फैब्रिक कट करेंगे। बेल्ट को हम डबल में स्टिच करते हैं, तो यहाँ पे इसकी चौड़ाई रखी है 5 इंच, और मेन फैब्रिक को लाइनिंग के ऊपर अटैच कर दिया है। बेबी की कमर का फुल साइज लिया था इसमें 28 इंच, तो बेल्ट मैंने 28 इंच से 2.5 इंच एक्स्ट्रा विड्थ लेते हुए कट किया है। तो देखिए, यहाँ से इसकी टोटल विड्थ है 30.5 इंच। फ्रंट साइड पर हम बैन लगाएंगे, तो उसके लिए आप 2 इंच चौड़ी बैन लें। दोनों तरफ से 1/2 इंच का मार्जिन साइड से छोड़ते हुए इसके ऊपर चिपका देंगे। जिस तरफ से बैन शाइन कर रही है उस तरफ से नीचे से भी 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह चिपका लेंगे। और देखिए, यहाँ पर मैंने पेस्टिक को चिपका लिया है। अब इसे स्कर्ट के साथ अटैच करेंगे। स्कर्ट को सीधी तरफ से रखेंगे और इस बेल्ट को उल्टी तरफ से इसके अंदर रखेंगे। ऊपर वाले हिस्से को पहले इस तरह हटा देंगे और इस तरफ से 1/2 इंच मार्जिन बाहर की तरफ ऐसे निकालते हुए राउंड में इसको बराबर मिलाएंगे। ऐसे बराबर मिलाते हुए राउंड में इसको अटैच कर लिया है। और देखिए, एक तरफ इतना ज्यादा मार्जिन बाहर के लिए निकलेगा, तो इसे ऐसे ही रखेंगे। इस तरफ नीचे के लिए हमने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा था, तो जहां से पेस्टिक है यहां तक कपड़े को अंदर के लिए ऐसे फोल्ड कर लेंगे, और यहां से इस बेल्ट को इस तरह मोड़ेंगे और साइड से बराबर मिलाएंगे। अब चेन के बिल्कुल बराबर से और पेस्टिक के बिल्कुल किनारे पे और नीचे से सिलाई को लॉक करते हुए किनारे पे बिल्कुल सिलाई लगा लेंगे। जैसे इस तरफ सिलाई लगाई है सेम ऐसे ही वैसे ही बेल्ट को फोल्ड करते हुए इस तरफ भी किनारे से अटैच कर लेंगे। अब इसे सीधा करेंगे। अब यहां से कपड़े को बराबर से अंदर के लिए फोल्ड करते जाएंगे, और फोल्ड करके देखिए बिल्कुल अपने आप बराबर आ जाएगा। इस तरह से फोल्ड करते हुए इसी के ऊपर रखेंगे जहां पे हमने पहले सिलाई लगाई थी।
और इस तरह बराबर पलटते हुए इसी के ऊपर रखते जाएंगे। बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। सेम ऐसे पूरी पट्टी को अटैच कर लेंगे। अब यहाँ साइड में पैंट वाले हुक अटैच कर देंगे। दोनों हुक को मैंने वेस्ट पे अटैच कर दिया था और अब ये स्कर्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। वेस्ट से इसकी फिटिंग काफी अच्छी आती है। नॉर्मल लहंगों में आपने देखा होगा वेस्ट पे जगह जगह कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, लेकिन इस तरीके से बनाने में वेस्ट से फिटिंग काफी अच्छी बनी रहती है, कपड़ा कहीं पे भी इकट्ठा नहीं होता है और इसका मेथड भी बहुत ईजी है, तो आप भी इसे जरूर ट्राई करिएगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहेंगी। और साथ ही मेरे दूसरे चैनल मिनी क्लासेस ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर मैंने कल ही सर्कुलर प्लाजो का डिजाइन बिल्कुल अलग तरीके से आपके साथ शेयर किया है, तो चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से चेक करके आप उसे देख सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डिजाइन के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।